पहले चश्मा बाहर निकालते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप ईच वन अमंग यू इज डूइंग गुड। एक्चुअली मेरा आज कोई प्लान, ईच वन अमंग यू इज डूइंग गुड, तो एक्चुअली मेरा आज प्लान नहीं था व्लॉग करने का, बट अब हमेशा कर ही लेते हैं। मुझे बस जो सॉन्ग को मसला हो गया था उसके बारे में तेरा क्या मतलब, तू क्या कहेगा उसमें? मतलब जो ना फाइल करप्ट हो गई थी वो नजर लगी कुछ लोगों की, और क्या मानता है ना, और क्या होता मतलब कैसा था? बढ़िया था यार, नेक्स्ट लेवल आ गया। और ये वाला कैसा है सच बता, ये और नेक्स्ट लेवल आएगा, ये नेक्स्ट लेवल नहीं आएगा बट ठीक इंटरेस्टिंग होगा यार, मजा आएगा। ठीक है, तो अभी हम आए इधर अलबुर्ज में, हम मेरे ख्याल से सॉन्ग का शूट भी करेंगे और कुछ खाएंगे भी, क्योंकि मैं नींद नहीं था जब ये लोग आ गए। ये लोग ऐसे ठीक ठाक टाइम पे आए, कोई 12:30 बट मैं सो ही रहा था क्योंकि रात 1:30 से मैं एडिट कर रहा था। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है, यू पीपल स्टे ट्यून्ड। या एग्जैक्टली बॉस, यहाँ पे गिम्बल वगैरह सेट हो रहा है, ठीक है, और बाकी जिब्रान व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, तो पूरा प्यार दो, मजा आएगा। वामी को तो जानते हो आप लोग, तो मिलो नवीद भाई से, ये मेरे फ्रेंड है, तो मैं छोटा सा ही था जब से इनके साथ बनती थी एंड अभी भी बनती है, बट पहली बार आया व्लॉग में। और जैसे आपको आपको पता है जन्म जन्म के भूखे मामी खाने का वेट कर रहे हैं, मामी सारे ही कर रहे हैं वेट और खाना नहीं आ रहा है यहाँ पे, आएगा अभी भाई, टेंशन मत ले। क्या डिस्कशन चल रहा है? डिस्कशन ये चल रहा है कि लेट हो गया वो, जो कि तूने किया। थैंक यू, और किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू। आप इस बारे में कुछ? फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद यहाँ पे पिज्जा आ गया है, आ गया ना अबोय। पहले जिब्रान को और वामी को ज्यादा भूख लगी थी, तो अभी शुरू करते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं। खा लिया हमने पिज्जा एंड अभी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और कुछ लोग स्टाइल मार रहे हैं। भाई कितने किलो आए आपने ये शेड्स? अभी टाइम आ रहा है 3:30 एंड अब ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता इनका शूट होगा आज, क्वाइट इम्पॉसिबल है ना। आप क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? बाय द वे मैं खुद ये सॉन्ग डायरेक्ट कर रहा हूँ। वो दो रही हमारी गाड़ियाँ एंड एक्चुअली आउटफिट बदलना है मेरे को, वो गाड़ी में ही है सब कुछ, तो वो उतारेंगे उसके बाद फिर। ओ कहाँ है कमाल, क्या कमाल? तो एक्चुअली मेरी नहीं है ये मेरे फ्रेंड की है, मैंने आज उसके लिए उससे मतलब कहीं ने बोला था इस बार दूसरी गाड़ी ले आना सॉन्ग में, तो मैंने उससे ले ली। आउटफिट कहाँ है ओए? तो ये रहा, देखते हैं अब। गंभीर डिस्कशन हो रहा है कुछ यहाँ पे, सीरियस सा। ये वामी मेरा भाई है, जरा बैठ बैठ अब सही से बैठ। वामी यार दोस्त है अपना, इसके बगैर चलता नहीं है बावरा। तो भाई साहब यहाँ पे ट्विस्ट है, मैं सॉन्ग में फीचर नहीं कर रहा एक्चुअली, मेरा मतलब मैं रीज़न शेयर नहीं करना चाहता, बस अब मेरा मूड नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। बट अब फहीम श्रीनगर से यहाँ आया है तो आई हेल्प हिम श्योरली, उसको जो भी यहाँ चाहिए होगा, चाहे कहीं पे शूटिंग करनी हो या जो भी लॉजिस्टिक वगैरह सपोर्ट चाहिए होगा, आई विल डू दैट। बट सॉन्ग में नहीं आ रहे हम, ना वामी ना नवी, तो अब मेरा मूड ही ख़राब हो गया तो फ़ायदा क्या आने का, ठीक है। बंदा ना दिल से काम करना चाहिए, ना कि कैमरा पे आने के लिए, तो समझ रहे हो ना। अब मैं इसको अभी फहीम को कुछ नहीं बोलूँगा, बाद में जब व्लॉग देखेगा उसको पता चल जाएगा। अभी मैं उनको बस बोल रहा हूँ मैं नेक्स्ट शॉट में आऊँगा, नेक्स्ट शॉट में आऊँगा, तो इट्स लाइक दैट। तो अभी ये लोग अंदर कुछ कर रहे हैं शूट, शायद से जिब्रान की फहीम का कोई शॉट है तो वो ले रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ रहता है आगे का, आप लोग बने रहो। और अलबुर्ज का सीन हो गया है ना, कुछ और करना है पे शूट? नहीं बस, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेट्स पे। कैमरामैन होना चाहिए सेटअप पे यार, उसी को पता है क्योंकि एडिट उसी ने करना है। क्या मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिकॉज शॉर्ट जो है वो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आ रहा है, चलेगा ना, टाइम कम है तो हाँ थोड़ा एडिटिंग में इधर अभी सफर में अच्छा होगा इससे बहुत। चलो देखते हैं अब क्या रहेगा, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट जहाँ पे हम शूट करेंगे, ठीक है। मोहित भाई आप इसमें बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब शूट मतलब नेक्स्ट शूट कहाँ करेंगे अब? नेक्स्ट शूट कहाँ? सैंडोस। तो बोले संडोज, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा तो वहाँ अभी करना पड़ेगा, सिफर में हम कभी भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ तो वहाँ की लाइटिंग है, तो चलते हैं। जिब्रान वहाँ पता नहीं इसको क्यों जल्दी है, शायद इसकी गाड़ी में फ़ोन वोन या कुछ रह गया है, तभी इसको इतनी जल्दी। क्या है, कौन करता है? हाँ सो लेट्स गो।
चलो चलो बैठो बैठो सारे बैठ गए सारे बैठ गए वामी मेरे भाई आ जाओ ना कैमोफ्लेज भाई साहब ये देखो आधे घंटे के बाद ये नाली में गया और हमें भी फंसा है इधर ही कुछ भी 20 मिनट्स लेटर पहुंच गया अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जहाँ शूट होना है दूसरी गाड़ी भी आ गई हमारी चले फिर बोल ब्रो लेट्स गो और ये गाड़ी भी देखो कितनी गंदी हो रखी है और ये भी क्योंकि वॉशिंग कराने का टाइम ही नहीं मिला आज पूरा दिन चलो चलो तो भाई साहब जैसा कि मैंने बोला था ना कि मेरा मतलब जो मूड चेंज हुआ ना क्योंकि मैंने सोचा था पहले वो करेंगे ये अलब्रुज वाला उसके बाद में घर से कपड़े लाऊंगा फिर करेंगे शूट बट फिर मैंने सोचा छोड़ा मैं आऊँगा ही नहीं सोंगा मेरे को क्यों लाने हैं बट इसलिए एक दो कपड़े थे बट इनका क्या सीन है ना मतलब वो फंकी वाले हिप हॉप के लिए वही सही रहते और अब इन्हीं में शूट करना पड़ रहा है चलो क्या ही कर सकते हैं अब फिर भी वहाँ भी नहीं लाया घर से अभी खुद गया गाड़ी लेके लाया जल्दी से अगर ये भी नहीं लाता है दो तीन कपड़े उसको जो मैंने बोला था वो उसको दिखे ही नहीं क्योंकि मैंने अपने हिसाब से रखे हैं बट स्टिल थैंक्स ब्रो अब देखेंगे इन्हीं में करेंगे कुछ सही है ना सिफर में भी और एक ऑर्डर करा लिया हमने आएगा अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ ठीक है सो फूड इज हेयर बटर चिकन और नान ऑर्डर करिए हमने और ये बंदा खुद ही कर रहा है मेरे इंस्टा आईडी से खुद को फॉलो और अब स्क्रीनशॉट लेगा बेवकूफ तो चलो खाना शुरू करते हैं उसके बाद फिर से शूट रिज्यूम करना है वामी भाई ने खुद मेरे लिए स्पेशली सर्व करा लेग पीस तेरे को चेस्ट पसंद है ना चेस्ट है ना तुझे पसंद तू मोस्टली क्या खाता है लेग पीस मेरे लिए रखना है अरे चलो फहीम को एक लेग पीस मेरे को एक क्यों भी आया था आप सिर्फ लेग पीस क्यों खाते हो हमारे यहाँ तो चार होते हैं क्या दो मुर्गे के मामी ये क्या बात है आज आप खुद शुरू कर रहे हो आज इतनी खुशी किस चीज की ब्रो तो खाना खाते हैं उसके बाद शूट रिज्यूम करते हैं बदतमीज फहीम ने हड्डियां डाल दी किसी और के प्लेट में कुछ भी पर मामी फिर भी खाएगा कोई टेंशन नहीं ओ थोड़ी देर पहले तू जन्म जन्म का भूखा था अब क्या था अभी पिज्जा खाया था ना थोड़ी देर पहले कितना खाएगा भाई किसी और के लिए भी छोड़ दिया कर तो जैसा कि मैंने बोला था मैं नहीं आ रहा सॉन्ग में बट अनफॉर्चुनेटली फहीम ने माना ही नहीं उसका काफ़ी मूड ऑफ हो गया तो मैंने कहा ठीक है भाई वैसे भी मेरे को फहीम के साथ था नहीं कोई सीन तो अब जो भी है अब मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है इन कपड़ों के लिए क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं अवामी की गलती है लेकिन अब उसने उसको जो कपड़े बोले वो लाए ही नहीं अब मैं अभी लेता लेकिन एक तो अब मैं भी सिफर में है यहाँ पे आसपास है नहीं कोई शॉप प्लस अब लेट भी हो गया अब जब कपड़े लाने जाएंगे फिर कहाँ शूट होगा इट्स ऑलरेडी 7:30 बाय नाउ चलो देखते हैं अब क्या रहेगा यू पीपल स्टेट भाई साहब मज़ा कितना आ रहा है यहाँ पे ये देखो जो ये वाला पोर्शन है ना ये गर्म है और ये वाला इतना ठंड है और वहाँ पे शूटिंग चल रही है ओके तो सीन समझो कुछ पहलगाम में है रूम तो आपने पहचान लिया होगा ऑब्वियसली तो देखो सीन क्या हुआ ये लोग शूट कर रहे थे मुझे आया घर से फ़ोन इंपॉर्टेंट काम था एक्चुअली वो नानीहाल वाले जा रहे थे जम्मू वो तो अब मार्च में ही आएंगे फिर तो इसलिए मैं नानी से मिलने गया इसीलिए मैं ज़्यादा सॉन्ग में आ नहीं पाया आज मेरा मूड भी नहीं था कपड़े भी नहीं थे तो फिर जब सॉन्ग शूट करते करते कोई 9:30 का टाइम हो गया तो फिर इतनी रात को ये लोग कहाँ जाते हैं मैंने उनको बोला यही रुक जाओ उन लोगों ने बोला हाँ आप घर पे भी डांट पड़ेगी तो ये रुकेंगे मैंने कहा ठीक है आप एक काम करते हैं पहलगाम चलते हैं वही रुकेंगे सब तो ये है दो रूम लिए मैंने एक तो ये यहाँ वामी को और मैं है वामी किससे बात कर रहा है फ़ोन पे एंड वो लोग है दूसरे रूम में लेट मी शो यू ये है फहीम और यहाँ है जहरान काफ़ी मेहनत किसने दिन भर इसलिए आराम से रेस्ट कर रहा है और वो उसको कुछ स्टेशन उठी है बिस्तर सही करते करते चलो जो भी तो अब सोएंगे क्योंकि दिन भर काफ़ी थक गए ये टूट गया मैं मोबाइल इसमें एडजस्ट कर रहा था एंड ये नहीं होगा अब ठीक है ना होगा मामी पता नहीं यार इसको फेंकना ही पड़ेगा तुझे लगता है अगर ग्लू या एल्फी लगाएंगे फेंको मुझे लगता है फेंको हाँ फिर दूसरा लेंगे मैं था गाड़ी में से कुछ सामान निकालने तो मैं सोचा व्लॉग भी एंड कर लेता हूँ
तो मैं सॉन्ग में नहीं हूँ शायद एक या दो क्लिप में, क्योंकि आपको पता ही है एक तो वामिक ने जो मैंने कपड़े बोले थे इसने दूसरे ले आया, एंड थोड़ा बहुत मेरा मूड भी ऑफ हो गया था, तो जो भी अब मैं बिल्कुल ही नहीं आता, बट फिर ने बोला एटलीस्ट एक क्लिप ऐड कर मेरे लिए, तो मैंने बोला ठीक है। एंड सॉन्ग को मैंने ही डायरेक्ट करा है, तो सॉन्ग को पूरा प्यार देना। स्ट्रगल था, अगर वो डिलीट नहीं हुआ तो वो इससे भी ज़्यादा बढ़िया आता, क्योंकि उसका पूरा सोच के रखा था कहाँ शूटिंग होगी क्या होगा, ये तो एक दिन में करना पड़ा। तो मैंने फिर खुद से इनको बोला ये भी जगह सही रहेगी, ये लाइटिंग सही रहेगी, यहाँ पे ये बोलो वहाँ पे वो करो, तो जो भी। एंड आई होप कि आप उसको प्यार दोगे। सो ड्यू टू एनी रीजन इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ लाइक, एंड इफ यू आर न्यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई विल सी यू सून, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।